शंकराचार्य ने कहा कि सभी सनातनी जो हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, सभी सनातनी हैं, सब लोग एक ही हैं, सब एक साथ ही रहते थे। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहा भाई, मैं एक मुसलमान लड़की हूँ, सर पे हिजाब लेके पहन के जा रही हूँ, सब कितना सम्मान दे रहे हैं। एक हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बोला ना कि महिला चाहे बुरके में हो या साड़ी में हो, सम्मान बराबर मिलना चाहिए, और वो सम्मान मुझे बराबर मिल रहा है। कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। लोगों के घर में बैठ के खाना खा रही हूँ, लोग अपने थाली में खाना खिला रहे, क्या बोलूं मैं, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निशब्द हो चुकी हूँ। एक चीज और, एक बयान और आया, महाराष्ट्र से ही बयान आया, आपने तो सुना होगा, आव्हाड हाँ साहब जो हाँ हैं उनकी तो, हाँ, उन्होंने कहा कि राम तो मांसाहारी देखिए, इस पे मैंने वीडियो भी बकायदा बना के डाला हुआ था कि उन्होंने माफी भी मांगी, कभी कभी वो मुंह से निकल जाता है ऐसे बोलकर। देखिए मैंने उनको ये रिप्लाई दिया कि आप अगर खाते हो ये सारी चीजें तो आप अपने भगवान से मत जोड़िए। 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का आप सेंटीमेंट हर्ट कर रहे हैं, है ना। ऐसे बोल करके मैंने एक वीडियो भी बनाया था, और ऐसे लोग सिर्फ लाइमलाइट में आना चाहते हैं। इन्होंने देखा था क्या जो राम भगवान है, जो मतलब नॉनवेज खाते हैं, उन्होंने तो एक किताब भी नहीं पढ़ी होगी राम भगवान के ऊपर, लेकिन टिप्पणी करने वो पहले सामने आ जाते हैं कहीं ना कहीं। नहीं, कुछ अब देखिए राजनीति की बात हो रही है तो और भी आपको जानकारियां होंगी। ये भी कहा जा रहा है कि ये सब जो है ये राजनीतिक स्टंट है, राम मंदिर का, ये जो रामलला विराजमान हो रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये कार्यक्रम कम राजनीतिक स्टंट है, आपको लगता है ऐसा? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखो राम मंदिर का जो लड़ाई थी वो तो 500 साल से हो रही थी ना, उस टाइम थोड़ी राजनीति हो रही थी। ये तो एक देश के गौरव का मुद्दा है, और ये जो राम मंदिर बन रहा है तो मस्जिद भी तो बन रही है ना, मस्जिद को लेकर को क्यों नहीं कोई बोलता है कि राजनीति का मुद्दा है। देखो ये समझ में नहीं आता, सिर्फ मंदिर को ही क्यों लोग बोलते हैं। मतलब मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं हो रही, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल नहीं हो रही है।